कोको वर्सेस लिली होने वाला है। लेट्स होप सो कि ये राउंड मजे का गुजरे। भैया अभी मैंने खाना खाया है, पेट भर गया है, सुस्ती हो रही है और 12 बजने हैं रात के। मुझे पता है एक्टिव नहीं है, कर लूंगा यार, क्या हो गया, इजी हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक है, इसे मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग बॉयज। एडिटिंग चल रही है और इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। रात के 12 बज रहे हैं और 3 बजे आनी है हमारी बारी। मजे की बात आपको बताऊँ तो इस वक्त ब्लॉग स्टार्ट करने का मकसद क्या है, अभी मुझे कॉल आई है मेरे दोस्त की और वो कह रहा है हमारी बारी 3 बजे आनी है और इस वक्त 12 बज रहे हैं। तो मैं बड़ा ब्लेस्ड और बड़ा ही लकी फील कर रहा हूँ कि मैं उधर नहीं हूँ, मैं ख्वारी से बच गया हूँ। 3 घंटे हैं, 1.5 घंटे में इंशाल्लाह हम एडिटिंग ख़त्म करके वहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर हम खेलेंगे रेस और आज हम जीतेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो रखनी चाहिए ना यार, जीते ना जीते वो अलग बात है। तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा, इन्जॉय करेंगे, स्टे ट्यून्ड, लेट्स सी आज कौन जीतता है और क्या सीन होता है, बड़ा मज़ा आने वाला है। बस आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, इंस्टा पे फॉलो करना है। थैंक यू वेरी वेरी मच। वीडियो को लाइक वैसे ही कर दिया करो यार, कहने की जरूरत ही नहीं है, बार बार कहते बंदा अच्छा नहीं लगता, तो लाइक कर दिया करो। मैनी मिनट्स लेटर। ओके बॉयज, इस वक्त 1:40 हो रहे हैं और जो हमारी हीट है वो स्टार्ट होनी है अराउंड 3 AM। तो ये जिसको समझ नहीं आ रही यार ये हीट रेस क्या हो रहा है, क्या सीन है, तो सीन ये है कि यार अभी कुत्ता आने लगा था गाड़ी के आगे। तो सीन ये है कि यार आज जो है अभी जो है मैं जा रहा हूँ गो कार्टिंग करने। अगर आपने मेरा 2-3 दिन पहले एक ब्लॉग मैंने अपलोड किया था गो कार्टिंग के रिलेटेड, बहुत मजे का था, जिसमें मेरी और बासिम की रेस भी हुई थी और मैं हार भी गया था। तो डजंट मैटर, इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि यार एक नया रिकॉर्ड सेट करें क्योंकि काफ़ी कम टाइम जा रहा है। 1:25 में मेरा जो सबसे हाईएस्ट लैप गया है ना, अच्छा जो लैप गया 1:25 है। जितनी जल्दी आप अच्छा लैप करते हो तो उतना ही आपका नंबर ऊपर जाता रहता है। खैर अभी हम वहाँ जा रहे हैं और बॉयज जो है पिछले 1.5 घंटे से वहीं पर इंतजार कर रहे हैं बेचारे, मेरा ख्याल है काफ़ी बोर हो गए होंगे। देखते हैं जाके अभी हिम्मत उनके अंदर अभी बाकी है या नहीं। बॉयज हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और फॉर द किड्स हु वर आस्किंग कि यहाँ पे बच्चों के लिए है या नहीं है या सारे 18+ हैं, तो बॉयज़ ये जो ट्रैक है छोटा सा आप देख रहे हो ये है बच्चों के लिए। मेरा ख्याल है 18 से जो नीचे होंगे ये ट्रैक उनके लिए है बिलखसूस, और ये वाला ट्रैक जो है मेरा ख्याल है अडल्ट के लिए है। हमने तो यहीं पर किया था तो अगर बच्चों ने आए करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं आराम से। बॉयज ये हम पहुंच चुके हैं मौके पे और इनकी शक्लें देखें, सूजी हुई है बेचारों की, 1.5 घंटे से ऐसे बजर बैठे हुए हैं। 1.5 घंटे से नहीं बैठे हुए, 11:30 बजे के बैठे हैं, 2 घंटे हो गए। और अभी क्या टाइम हो रहा है? 2 बज गए, 2.5 घंटे हो गए। आपकी हिम्मत को सलाम, आप सबकी हिम्मत को सलाम। गिस्सू पंजू हार कबूतर डोले बस। भैया ट्रैक तो फिलहाल सुनसान पड़ा है, अगली हीट स्टार्ट होने में अभी टाइम है और हम अभी भी वेटिंग में हैं और टाइम इस वक्त 2 बजे हैं, अभी 1 घंटा है हमारी हीट में और स्टिल बॉयज बेचारे सारे ऐसे बैठे हैं, पिछले 2 घंटे से ऐसे ही बैठे हैं। मैं तो ये सोच के रहा हूँ शुक्र है मैं नहीं आया पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हेलमेट सेट कर रहे हैं गोप्रो के साथ कि हमें बेहतर ऑप्शन मिल जाए, और भी मैं बड़ा अजीब सा लग रहा होगा तो आपने इग्नोर करना है, अभी मैं गोप्रो सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि गोप्रो अच्छे से सेट हो जाएगा और इसमें आवाज़ चली जाएगी। लेट्स होप सो कि गोप्रो अच्छे से सेट कर पाए हम। हमारे पास वादू टाइम है, ये चेक करें, इस वक्त अभी 3 भी नहीं बजे हैं और अभी 3 हीट्स, अभी 20th हीट चल रही है, 24th हीट हमारी है। अच्छा भैया हेलमेट फाइनली हमारा सेट हो गया और फायदे की बात ये है, मज़े की बात ये है कि हेलमेट जो है बासिम के साथ लेके आया था अपने छोटे भाई का, तो हमारे लिए फायदेमंद रहेगी ये चीज़। होपफुली अब आपको ट्रैक मज़ेदार तरीके से आपको दिखा पाएंगे और बड़े मज़े का ये व्लॉग होगा और होपफुली माइक के अंदर आवाज़ भी जाएगी। पहले पिछले व्लॉग में माइक के अंदर आवाज़ नहीं गई थी तो सही से व्लॉग बना नहीं था। ओके भैया ये अभी पहली 23rd हीट है जिसमें आधे हमारे बॉयज जा रहे हैं और ये एक दोस्त को मैंने पहनाया हेलमेट, पहले ये आप थोड़ा सा एंजॉय करें।
अच्छा बॉयज, अब ये जब तक ये हीट चल रही है मैं आपको प्राइसेस के बारे में बता दूं। प्राइसेस का सीन ये है, लास्ट टाइम जब हम आए थे 2800 पर हेड था और 300 रजिस्ट्रेशन थी, और अब इन्होंने रिवाइज कर दिए प्राइसेस। अब प्राइसेस जो है 3000 पर हेड विद 300 रजिस्ट्रेशन। लास्ट टाइम 44000 बिल इसीलिए बना था क्योंकि हम बॉयज ज्यादा थे और आधे बॉयज ने दो दफा हीट राउंड मारा था। हम लास्ट टाइम थे तकरीबन 12 लोग, इसीलिए बिल ज्यादा बना था। खैर अभी की बात करें 3000 पर हेड है, 300 रजिस्ट्रेशन है, और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे अगर आपके 10000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो आपको 1800 टिकट मिलती है और 300 रजिस्ट्रेशन सेम होती है आपकी। रजिस्ट्रेशन आपने एक ही दफा करवानी होती है। इन्फ्लुएंसर डिस्काउंट आज नहीं था, आज वीकेंड था, इन्होंने कहा था आज हमारी पॉलिसी नहीं है, पता नहीं क्या सीन था। तो हमने 3000 दिया ना हमने, तो हमने आज 3000 पे किया है हम दोनों ने। पहले लास्ट टाइम बासिम ने भी और मैंने भी 1800 पे किया था इन्फ्लुएंसर डिस्काउंट, और 24 आवर्स में एक ही दफा आप ये ऑफर अवेल कर सकते हो। जो इन्फ्लुएंसर है मैं उनके लिए बता रहा हूं। बॉयज ये हीट चल रही है और हीट के लाइव स्कोर्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अच्छा भैया बारी आ गई है अब हमारी, और इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स होप सो। अब ये वाली जो हीट है ये मज़े ही गुजरे, कहाँ जाई जाए, रुक जा। और गोप्रो वाला सेट कर दिया है, अभी ये जालिफ पहन के गया था, अब मैं पहनूंगा। ओके बॉयज कैमरा सेट हो गया है, लेट्स होप सो। इसको नंबर 1 vs. 6 होने वाला है, कोको वर्सेस लिली होने वाला है। लेट्स होप सो कि ये राउंड मजे का गुजरे और इसको हम बीट कर पाए। आप ये ले जाएं, अब एक तस्वीर खींचे। ओके भैया ये कार्ड नंबर 6 है हमारे पास, और होपफुली ये कार्ड तेज़ भी होगी। लेट्स होप सो तेज़ हो, क्योंकि जब ट्रैक पे चल रही थी तो सारे हम यही बात कर रहे थे कि ये कार्ड जो है वो तेज़ है। और ये अभी ये इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से। बिस्मिल्लाह सर, रेस सर दबा दिए। सेकंड पे ये आया और थर्ड पे जो है वो अहमद है। एक सेकंड से मैं हार रहा हूँ बासिन से और एक और प्लेयर से, लेकिन एक और प्लेयर से मैं मिली सेकंड से आ रहा हूँ, लेकिन उससे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जीतेंगे, बहुत मजा करेंगे। रास्ते में ना किसी ने मिट्टी उड़ा दी थी मेरे ऊपर, तो वो बैड सीन हो गया था। बात सुन, हटी ना कितने गंदे कट कर आ रहा है तू। तेरे पास से मक्खन की तरह निकला है, मक्खन की तरह। आपको क्रॉस कैसे किया था मैंने, मेरे भाई। खैर भैया बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था, थर्ड टाइम था मेरा, और माशाल्लाह मैंने प्रोग्रेस की है अपनी नज़रों में, मुझे और करना चाहिए था लेकिन कुछ नहीं होता इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और बासिम ने भी बहुत अच्छा खेला, सब ने बहुत अच्छा खेला, तीनों बॉयज़ ने काफ़ी माशाल्लाह प्रोग्रेस किया और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और अभी चलते हैं, निकलते हैं यार यहाँ से, दिन हो गया माशाल्लाह, रात को आए थे दिन हो गए, ये तो माशाल्लाह 5-6 घंटे गुजार के जा रहे हैं यहाँ पे, 7 घंटे।
बड़े मजे का मुकाबला रहा है यार कोको वर्सेस लिली का, और बड़ा मैंने एंजॉय किया। और होपफुली हम इंशाल्लाह रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे यार। सबसे पहला मेरा रिकॉर्ड जो था वो बहुत ही गंदा था, जो मैंने सबसे पहले किया था, अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखा इसके रिलेटेड, जो गो कार्टिंग के रिलेटेड था, तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा हाईएस्ट था 125, और अब माशाल्लाह आई एम ऑलमोस्ट एट 118 ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि 117.99 मैंने स्कोर किया है, तो वो मिली सेकेंड है जिसको हम काउंट नहीं करेंगे और इम्प्रूव करने की अपने आप को कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपको आवाज़ गोप्रो में ना आई हो तो यार माजरत, अभी आपके भाई का सेटअप जो है वो थोड़ा सा बजट सेटअप है, तो होपफुली हम वो भी अपग्रेड करेंगे इंशाल्लाह। करूंगा मैं, जल्द करूंगा स्पेसिफिकली इसके लिए, और इंशाल्लाह मोटो व्लॉग्स भी बहुत मजे का एक्साइटिंग कंटेंट आने वाला है। वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, इंस्टा पे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दो में भाई याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ये तीन बॉयज मिले हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि हमने ब्लॉग मैन है। ओके चलो, अल्लाह हाफिज़। फास्ट का टी तो ये खा ही गए हैं, हमारी हीट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा मैं आपको प्राइसेस बताता हूँ अभी वहाँ पहुँच के कि क्या हुआ है। क्या हुआ है, हमारी हीट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। ये हेलमेट जो है बासिम के साथ लेके आया था अपने छोटे भाई का, तो हमारे लिए फायदेमंद रहेगी ये चीज़। हमने छोटे भाई का दोबारा कर, तो ये यार अजीब बंदा यार, दोबारा मैं करूँ पूरा। यसु बुझ चुके लगे हो यार, एक सेकंड, नहीं ये लॉक नहीं हो रहा ना सही, छोड़ दे। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अब देखो गरीबा का शाहरुख खान बैठा ही, थोड़ा वाइब्रेट हो, इतना भी नहीं, इतना तो मैं नहीं होना है, इजी हो गए बॉयज। गोबरे सर तेरी मैं बात कर रहा हूँ, गोप्रो सेट हो गया फाइनली, और अब आएगा असल मजा, और अब फुल एंजॉय करेंगे हम, और विद कमेंट्री होपफुली। कुछ बातें कर मेरे से, फिट होता है तेरे से बातें करूं। और सुना, हेलो, हाँ असलम, ये क्या कर रहा है इधर भाई, ये कौन है,